के आयोजक चंदन जी, इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता जो अभी हम लोग के बीच में नहीं है, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी चले गए, मेयर पटना सीता साहू जी भी चले गए, कामेश्वर झा जी वाइस चेयरमैन बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिहार पटना, टौली सिन्हा साहब, आर के पांडे साहब, सी वी रमन साहब तथा इस मंच पर जो सामने लिट्स से संस्था से जो जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी लोग को अभिनंदन स्वागत बिहार के पटना के धरती पर मैं सभी लोग का स्वागत कर रहे हैं। और इतना विस्तार में और कम समय में कल अचानक सचिवालय के प्रांगण में हम गए हुए थे, उसी समय हमारे अभिभावक जिन्होंने इलिस के बारे में कामेश्वर झा जी जो बताए, हमको तो लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ बड़ा कम उम्र में हमको बहुत बार मिलने का मौका मिला। और एक छठ व्रत होता है, उसमें हमारे 12 साल 2007 से मेरे साल में एक बार मेरे घर पर भी आते हैं। इतना बिहार के शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कई कार्यक्रम में हम जाते हैं, कई संस्था भी एनजीओ लोग कराते हैं, उसमें भी हम अभी हाल ही में दिल्ली था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब उद्घाटन किए थे उसमें भी हम गए थे, दिल्ली में थे बहुत ही। और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो कुछ लास्ट में आप लोग इसको बिहार के हित में जो आप लाए हैं पटना के बिहार में, बिहार के पटना में, यह निश्चित रूप से बिहार कई राज्य में आप यह कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और बिहार में भी जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने बताने का काम किया और कमेश्वर झा जी ने जो ब्रीफ किए, मैं इनको बात के बाद हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर हमको लगता है कि चाणक्य कोई चीज़ अब बचा नहीं है। अगर इसके बाद हम लोग अब कुछ करें तो अब लगता है कि अब बेकार होगा। इन्होंने सब चीज़ बता दिया है, उस पर आप लोगों के काम करने की जरूरत है। और पूरा पूरा बिहार सरकार इसमें सहयोग, पूरा मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, बहुत ही अच्छे बिहार के मंत्री हैं, वो काम करते हैं। और शिक्षा के जगत में हम लोग जब बच्चा थे, उम्र तो अभी बहुत कम है, हमारे सब लोग मंच पर जितने बैठे हुए हैं लगभग सब लोग अभिभावक के समान हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो विद्यालय में रूम ही नहीं था, ये स्कूल जो था बरसात जब आता था तो पानी पड़ता था तो हम लोग घर चले जाते थे, बैठने का जगह नहीं था, टीचर भी नहीं थे। अब तो जब से सरकार नीतीश बाबू के बना है, आप अलग से ही गांव में जाइएगा तो लगेगा कि यह प्राथमिक विद्यालय है, यह मध्य विद्यालय है, यह हाई स्कूल है, यह कॉलेज है, चमकता है। प्रोफेसरों की भी बहाली हुआ, टीचर के भी बहाली हुआ, सब चीज में सुधार हुआ, सुधार हो भी रहा है। तो आप लोग आए हैं, स्वागत योग्य है। अब बिहार में जो भी इस तरह के जो नए युग का शुरुआत हो गया है पढ़ाई लिखाई में भी, तो बिहार क्यों पीछे रहेगा? जब सब राज्य में चल रहा है तो बिहार में ही निश्चित रूप से आपका चलेगा। और बिहार सरकार इसमें पूरा पूरा सहयोग करेगा सभी लोगों को, ताकि जब 2 बजने वाला है सभी लोगों में बधाई और अभिनंदन स्वागत करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।